नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग 2019 की सिविल सेवा परीक्षा के नतीजे आए। 829 कैंडिडेट सफल हुए। अब इनमें से कई कैंडिडेट्स के संघर्ष की कहानी सामने आने लगी है। ऐसी ही एक कहानी प्रदीप सिंह की भी है। प्रदीप ने इस परीक्षा में 26वीं रैंक हासिल की है। वैसे तो प्रदीप का जन्म बिहार में हुआ था, लेकिन बाद में परिवार इंदौर शिफ्ट हो गया। इंदौर में उनके पिता एक पेट्रोल पंप पर काम करने लगे। प्रदीप हमेशा से आईएएस अधिकारी बनना चाहते थे, यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाना चाहते थे। ये बात उनके पिता को भी अच्छी तरह से पता थी, इसलिए अच्छी पढ़ाई और कोचिंग के लिए प्रदीप जून 2017 में दिल्ली आ गए। यहाँ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया, जिसकी एक साल की फीस 1.5 लाख रुपए थी। ऊपर से प्रदीप के रहने खाने के पैसे अलग लगते थे। ऐसे में पिता ने इंदौर का अपना मकान बेच दिया, बिहार के गोपालगंज की पुश्तैनी जमीन भी बेच दी, ताकि उनके बेटे के सपने में कोई रुकावट न आ सके। प्रदीप ने 2018 की सिविल सेवा परीक्षा में 93 रैंक हासिल की थी, लेकिन तब उन्हें आईएएस की बजाय आईआरएस भारतीय राजस्व सेवा मिला था। प्रदीप को आईएएस अधिकारी ही बनना था, इसलिए उन्होंने 2019 में फिर से सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी। इस बार 26वीं रैंक आई है, जिससे अब आईएएस बनने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदीप को बैडमिंटन खेलने और फिल्म देखने का बहुत शौक है, लेकिन आईएएस बनने के लिए उन्होंने इन सब को किनारे कर दिया। सब छोड़कर 16-16 घंटे तक पढ़ाई करते थे, कई दिनों तक दोस्तों से मुलाकात भी नहीं की। प्रदीप का कहना है कि उनके माता पिता और परिवार का जज्बा उनके जज्बे से कई ज़्यादा ऊपर था। उनके घर पर आर्थिक दिक्कत होने के बावजूद पिता ने पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आने दी। प्रदीप के पिता ने बताया कि वो अपने बेटे की कामयाबी से काफ़ी खुश हैं। यूपीएससी की 2019 की सिविल सेवा परीक्षा में पहला रैंक भी एक प्रदीप सिंह नाम के कैंडिडेट का ही है। उन्होंने भी 2018 के 260वीं रैंक हासिल की थी और आईआरएस ज्वाइन की थी। 2019 में एक बार फिर से एग्ज़ाम दिया और देश में पहला स्थान हासिल किया। ऐसी कहानी बहुत लोगों की है जिन्हें सफलता मिली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।